सगुण लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं, वही राम सुयश रूपी जल की निर्मलता है जो मल का नाश करती है, और जिस प्रेमा भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। वह राम सुयश रूपी जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकर है, और श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन ही है। वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमटकर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला जाता और सिमटकर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला और मानस हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में भर कर वहीं स्थिर हो गया। वही पुराना होकर सुंदर रुचिकर शीतल और सुखदायी हो गया। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद भूषणी गरुड़, शिव पार्वती, याज्ञवल्क्य भरद्वाज और तुलसीदास और संत रचे हैं, वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के चार मनोहर घाट हैं। सात कांड ही इस मानस सरोवर की सुंदर सात सीढ़ियां हैं, जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी की निर्गुण प्राकृतिक गुणों से अतीत और निर्बाध एकरस महिमा का जो वर्णन किया जाएगा, वही इस सुंदर जल की अथाह गहराई है। श्री रामचंद्र जी और सीता जी का यश अमृत के समान जल है। इसमें जो उपमाएं दी गई हैं, वही तरंगों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाइयां ही इसमें घनी फैली हुई पुरईन कमलिनी है, और कविता की युक्तियां सुंदर मणि मोती उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियां हैं। जो सुंदर छंद सोरठे और दोहे हैं, वही इसमें बहुरंगे कमलों के समूह सुशोभित हैं। अनुपम अर्थ ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही पराग पुष्परज मकरंद पुष्परस और सुगंध है। सत्कर्मों पुण्यों के पुण्य भवरों की सुंदर पंक्तियां हैं। ज्ञान वैराग्य और विचार हंस हैं। कविता की ध्वनि वक्रोक्ति गुण और जाति हैं। गुण और जाति ही अनेकों प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। अर्थ धर्म काम मोक्ष ये चारों ज्ञान विज्ञान का विचार के कहना काव्य के नौरस जप तप योग और वैराग्य के प्रसंग ये सब इस सरोवर के सुंदर जलचर जीव हैं। सुकृति पुण्यात्मा जनों के साधुओं के और श्री राम नाम के गुणों का गान ही विचित्र जल पक्षियों के समान है। संतों की सभा ही इस सरोवर के चारों ओर की अमराई आम की बगीचियां और श्रद्धा वसंत ऋतु के समान कही गई है। नाना प्रकार से भक्ति का निरूपण और क्षमा दया तथा दम इंद्रिय निग्रह लताओं के मंडप हैं। मन का निग्रह यम अहिंसा सत्य असत्य ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह नियम शौच संतोष तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान ही उनके फूल हैं। ज्ञान फल है और श्रीहरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों ने कहा है। इस रामचरितमानस में और भी जो अनेक प्रसंगों की कथाएं हैं, वे ही इसमें तोते कोयल आदि रंग बिरंगे पक्षी हैं। कथा में जो रोमांच होता है वही वाटिका बाग और वन है, और जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मन ही माली है जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उनको सींचता है। जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं, वे ही इस तालाब के चतुर रखवाले हैं, और जो स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक इसे सुनते हैं, वे ही इस सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता हैं। जो अति दुष्ट और विषयी हैं, वे अभागे बगुले और कौवे हैं, जो इस सरोवर के समीप नहीं जाते, क्योंकि यहाँ इस मानस सरोवर में घोंगे मेढक और सेवार के समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं हैं। इसी कारण बेचारे कौवे और बगुले रूपी विषयी लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं, क्योंकि इस सरोवर तक आने में कठिनाइयां बहुत है। श्री राम जी की कृपा बिना यहाँ नहीं आया जाता। घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है। उन कुसंगियों के वचन ही बाघ सिंह और सांप हैं।
घर के कामकाज और गृहस्थी के भांति भांति के जंजाल ही अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं। मोह, मद और मान ही बहुत से बीहड़ वन हैं और नाना प्रकार के कुर्तक ही भयानक नदियां हैं। जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है और संतों का साथ नहीं है और जिनको श्री रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, उनके लिए यह मानस अत्यंत ही अगम है। अर्थात श्रद्धा, सत्संग और भगवत प्रेम के बिना कोई इसको नहीं पा सकता। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहां तक पहुंच भी जाए तो वहां जाते ही उसे नींद रूपी जुड़ी आ जाती है। हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा जाड़ा लगने लगता है, जिससे वहां जाकर भी वह अभागा स्नान नहीं कर पाता। उससे उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया नहीं जाता, वह अभिमान सहित लौट आता है। फिर यदि कोई उससे वहां का हाल पूछने आता है तो वह अपने अभाग्य की बात न कहकर सरोवर की निंदा करके उसे समझाता है। ये सारे विघ्न उसके नहीं व्यापते, बाधा नहीं देते, जिसे श्री रामचंद्र जी सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते हैं। वही आदर पूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है और महान भयानक त्रिताप से, आध्यात्मिक, आदिदैव, आदिभौतिक तपो से नहीं जलता। जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है, वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते। हे भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे वह मन लगाकर सत्संग करे। ऐसे मानस सरोवर को हृदय के नेत्रों से देखकर और उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई, हृदय में आनंद और उत्साह भर गया और प्रेम तथा आनंद का प्रवाह उमड़ आया। उससे वह सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली, जिसमें श्री राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है। इस कविता रूपिणी नदी का नाम सरयू है, जो संपूर्ण सुंदर मंडलों की जड़ है। लोकमत और वेदमत इसके दो सुंदर किनारे हैं। यह सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है और कलयुग के छोटे बड़े पाप रूपी तिनकों और वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली है। तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पूर्वे गांव और नगर हैं, और संतों की सभा ही सब सुंदर मंडलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी हैं। सुंदर कीर्ति रूपी सुहावनी सरयू जी राम भक्ति रूपी गंगा जी में जा मिली। छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावना महानद सोन उसमें आ मिला। दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग्य के सहित शोभित हो रही है। ऐसी तीनों तापों को डराने वाली यह तीन मुहानी नदी राम स्वरूप रूपी समुद्र की ओर जा रही है। इस कीर्ति रूपी सरयू का मूल मानस श्री रामचरित है और यह राम भक्ति रूपी गंगा जी में मिली है, इसलिए यह सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देगी। इसके बीच बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं हैं, वे ही मानो नदी तट के आसपास के वन और बाग हैं। श्री पार्वती जी और शिव जी के विवाह के बाराती इस नदी में बहुत प्रकार के असंख्य जलचर जीव हैं। श्री रघुनाथ जी के जन्म की आनंद बधाइयां ही इस नदी के भंवर और तरंगों की मनोहरता है। चारों भाइयों के जो बाल चरित हैं, वे ही इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं। महाराज श्री दशरथ जी तथा उनकी रानियों और कुटुंबियों के सत्कर्म पुण्य ही भ्रमर और जल पक्षी हैं। श्री सीता जी के स्वयंवर की जो सुंदर कथा है, वही इस नदी में सुहावनी छवि छा रही है। अनेकों सुंदर विचारपूर्ण प्रश्न ही इस नदी की नावे और उनके विवेक युक्त उत्तर ही चतुर केवट हैं। इस कथा को सुनकर पीछे जो आसपास में चर्चा होती है, वही इस नदी के सहारे सहारे चलने वाले यात्रियों का समाज शोभा पा रही है। परशुराम जी का क्रोध इस नदी की भयानक धारा है और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ वचन ही सुंदर बंधे हुए घाट हैं। भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्साह ही इस कथा नदी की कल्याणकारिणी बाढ़ है।
जो सभी को सुख देने वाली है। इसके कहने सुनने में जो हर्षित और पुलकित होते हैं वे ही पुण्यात्मा पुरुष हैं, जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक के लिए जो मंडल साज सजाया गया, वही मानो पर्व के समय इस नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठे हुए हैं। कई कई की कुबुद्धि ही इस नदी में काई है, जिसके फलस्वरूप बड़ी भारी विपत्ति आ पड़ी। संपूर्ण अनगिनत उत्पातकों को शांत करने वाला भरत जी का चरित्र नदी तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है। कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों की जो वर्णन है, वे ही इस नदी के जल का कीचड़ और बगुले कौवे हैं। यह कीर्ति रूपिणी नदी छह ऋतुओं में सुंदर है। सभी समय यह परम सुहावनी और अत्यंत पवित्र है। इसमें शिव पार्वती का विवाह हेमंत ऋतु है। श्री रामचंद्र जी के जन्म का उत्सव सुखदाई शिशिर ऋतु है। श्री रामचंद्र जी के विवाह समाज का वर्णन ही आनंद मंगलमय ऋतुराज वसंत है। श्री राम जी का वनगम दुस्सह ग्रीष्म ऋतु है और मार्ग की कथा ही कड़ी धूप और लू है। राक्षसों के साथ घोर युद्ध ही वर्षा ऋतु है, जो देव कुल रूपी धान के लिए सुंदर कल्याण करने वाली है। रामचंद्र जी के राज्य काल का जो सुख विनम्रता और बढ़ाई है, वही निर्मल सुख देने वाली सुहावनी शरद ऋतु है। सती शिरोमणि श्री सीता जी के गुणों की जो कथा है, वही इस जल का निर्मल और अनुपम गुण है। श्री भरत जी का स्वभाव इस नदी की सुंदर शीतलता है, जो सदा एक सी रहती है और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। चारों भाइयों का परस्पर देखना, बोलना, मिलना, एक दूसरे से प्रेम करना, हंसना और सुंदर भाईपन इस जल की मधुरता और सुगंध है। मेरा आर्तभाव, विनय और दीनता इस सुंदर और निर्मल जल का कम हल्कापन नहीं है, अर्थात अत्यंत हल्कापन है। यह जल बड़ा ही अनोखा है, जो सुनने से ही गुण करता है और आशा रूपी प्यास को और मन के मैल को दूर करता है। यह जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है, कलयुग के समस्त पापों और उनसे होने वाली ग्लानि को हर लेता है, संसार के जन्म मृत्यु रूप श्रम को सोख लेता है, संतोष को भी संतुष्ट करता है और पाप, ताप, दरिद्रता और दोषों को नष्ट कर देता है। यह जल काम, क्रोध, मद और मोह का नाश करने वाला और निर्मल ज्ञान और वैराग्य का बढ़ाने वाला है। इसमें आदर पूर्वक स्नान करने से और इसे पीने से हृदय में रहने वाले सब पाप ताप मिट जाते हैं। जिन्होंने इस राम सुयश रूपी जल से अपने हृदय को नहीं धोया, वे कायर कलिकाल के द्वारा ठगे गए। जैसे प्यासा हिरण सूर्य की किरणों के रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुए जल के भ्रम को वास्तविक जल समझकर पीने को दौड़ता है और जल न पाकर दुखी होता है, वैसे ही वे कलयुग से ठगे हुए जीव भी विषयों के पीछे भटककर दुखी होंगे। अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार कर उसमें अपने मन को स्नान कराकर और श्री भवानी शंकर को स्मरण करके कवि तुलसीदास सुंदर कथा कहता है। मैं अब श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर और उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद वर्णन करता हूँ। भरद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं। उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी, निर्गृहित चित, जितेंद्रिय, दया के निधान और परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं, तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्यों के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। श्री वेणी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं और अक्षय वट का स्पर्श कर उनके शरीर पुलकित होते हैं। भरद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र, परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों के मन को भाने वाला है।